नमस्कार आदाब सत्या और आप लोग हम आ गए देने आपका साथ दोस्तों एक बहुत बात आप लोग मेरे बारे में जानते हो मैं आप लोगों को छह सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ भाई बिजनेस लॉस एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग ये तो आप लोग फाउंडेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो थोड़ा सपोर्ट करते रहना चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ट्रिकी क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन ध्यान से पड़ेगा मिस्टर जय सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर भावेश ऑन कैश ऑन डिलीवरी मेथड मिस्टर जय हैंड ओवर द गुड्स टू मिस्टर लखन टू बी डिलीवर टू मिस्टर भावेश वेन द गुड्स मिस्टर भावेश इन्फॉर्म मिस्टर जय दैट ही विल नॉट बी एबल टू पे फॉर द गुड्स एंड दैट इज फाइलिंग फॉर बैंक

और बाद में वॉट आपको लगता है आर तो आप कमेंट में लिखिए आर आपको लगता है आर ओ एस आई टी तो आप कमेंट में लिखिए आर ओ एस आई टी और बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे और अगर आपके आंसर करेक्ट है तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा यू नो द ड्रिल बट अगर आपके आंसर गलत है तो आप खुद अपने कमेंट के नीचे करेक्ट आंसर लिखेंगे जो भी गलती हम आज यहां करते हैं उससे हम भविष्य के लिए बच जाते बताइए क्या लगाया जाएगा राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट जय ने गुड्स बेच दिए भावेश को जय ने हैंड ओवर किए गुड्स लखन को टू बी डिलीवर टू भावेश यानी कि लखन यहां पर थर्ड पार्टी की तरह काम कर रहा है गुड्स ट्रांजिट में ही है तब भावेश कह रहा है कि यार मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा इनफैक्ट आई एम फाइलिंग फॉर बैंक करप्सी तो बताइए ओके लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि यहां पर क्या पजेशन जय के पास है या नहीं है ठीक है एक एक करके देखते हैं ना सबसे पहली बात यहां पर गुड्स कैश ऑन डिलीवरी बोलकर दिए गए मतलब जब जय ने गुड्स लखन को दिए तो कहा कि भाई जब तक ये कैश ना दे दे तब तक ये गुड्स उसको डिलीवर मत करना क्या मैं कह सकता हूं इसका मतलब ये है रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल टू द गुड्स और अगर जय हैज रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स तो क्या मैं कह सकता हूं कि जय स्टिल इन द कंट्रोल एंड पोजेशन ऑफ द गुड्स और अगर कंट्रोल और पोजेशन जय के पास है तो आर ओ एस आई टी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता आप यूज करेंगे राइट ऑफ लीन और बच्चों याद रखना राइट ऑफ लीन कैन बी यूज वेदर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट और नॉट करेक्ट समझ में आया आपको ओके okay. और एक चीज

आइए समझते हैं क्या यहां पर हम लोग राइट ऑफ लीन बोल सकते हैं यस yes, हमने कहा वेन द गुड्स आर नॉट सोल्ड ऑन क्रेडिट और वेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट द एक्सपायर्ड और बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट हम राइट ऑफ लीन का इस्तेमाल कर सकते हैं राइट ऑफ लीन का इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है अभी इस केस में हम लोग लखन को फोन करके बोल देंगे भाई गुड्स वापस लेकर आ जाए नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट कैन मिस्टर जय सेल दिस गुड्स टू न्यू कस्टमर्स अब इसके लिए हमें सेक्शन फिफ्टी फोर को वहां पर यूज करना है क्या कहता है सेक्शन 54 फोर है राइट ऑफ रीसेल जब भी आप गुड्स राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ ऑफ स्टॉपेज गुड्स इन ट्रांजिट का इस्तेमाल करके वापस अपने पोजीशन में ले आते हो या अपने पोजीशन में रो रिटेन करके रखते हो यू गेट अ राइट टू सेल द गुड्स अब यहां पर हमें यह नहीं बताया कि गुड्स पेरिशेबल है या नहीं है तो हम लोग आंसर में लिखेंगे दैट इफ द गुड्स आर पेरिशेबल जय हैज राइट टू रीसेल द गुड्स एंड रिकवर द

लेकिन अगर नॉन पेरिशेबल गुड्स है और आपने बिना भावेश को बताए गुड्स बेच दिए तो कोई प्रॉफिट हुआ तो आपको भावेश को हैंड करना पड़ेगा और कोई लॉस हो गया तो आपको खुद बियर करना पड़ेगा एंड विद दिस दिस क्वेश्चन विल कम टू एन एंड यूनिक है एंड आई होप कि यहां पर आपकी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हटी होगी तो बेटा आर ओ एल यूज करेंगे जब पोजिशन आपके पास है आर ओ एस आई टी यूज करेंगे जब पोजिशन आपके पास है, चला गया नो रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल और अभी तक बायर के हाथ में नहीं आया कि गुड्स ट्रांजिट में है और बायर इंसॉल्वेंट हो गया तभी आप आर ओ एस आई टी यूज कर सकते हैं तो यहां पर यूज होगा आर ओ एल एंड यस आपके पास राइट ऑफ रिसेल भी है इन फैक्ट में लिखा है नेमो दैट दैट नॉन वन ऑफ द एक्सेप्शन में लिखा है सेलर कैन सेल गुड्स ठीक है थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड मैं प्री एग्जाम के अलावा मैं वन डे बिफोर एग्जाम मैराथन भी ले रहा हूं अकाउंट्स का पेपर खत्म होते ही आपको अन एकेडमिक सी ए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्द मैं दिख जाऊंगा लाइव मैराथन्स के लेकर तो अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स है कन्फ्यूजन्स है डोंट वरी सारे सॉल्व हो जाएंगे वहाँ पर आइएगा जरूर थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट